हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो यार आज तो फंक्शन है, शाम को 6 बजे फंक्शन शुरू हो जाएगा। फंक्शन क्या है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आज साई संध्या है, तो क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो बस अभी चाय वाय पीता हूँ, फिर नहाएंगे धोएंगे तैयार वैर होंगे थोड़ी देर में। अभी नहीं, अभी तो टाइम हो रहा है 12:30, तो मिलते रहेंगे आपसे थोड़ी थोड़ी देर में। तो यार अभी मेरे को ATM तक जाना है। जीजू ने मुझे बोला कि कुछ कैश निकाल के ला, तो बस अभी वो निकालने जाना है। बाल देखना कैसे हो रहे हैं, फोकर उठो, बाल कैसे हो रहे होते हैं यार। मुझको अपने बालों से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, और ऐसे देख के ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो आज दिन है, रखवाई है साई संध्या, फंक्शन रखवाया है। तो बस अभी जाता हूँ मैं थोड़ी देर में ATM, भाई गया हुआ कहीं। ATM का काम तो हो गया यार, निकाल के ले आया मैं कैश। और एक चीज़ और बताऊँ, आज ना सोसाइटी में भंडारा, और आपको पता है कि मुझे भंडारा खाना कितना ज़्यादा पसंद है। आलू की सब्ज़ी है, पूड़ी है, सीताफल है, भाई तो आया यार, मेरा भी मन कर रहा है खाने का। बट मैं सोच रहा हूँ आज फंक्शन है तो खाली होके जाऊँ। बाप इतनी सारी चीज़ें रखवाई है मैंने, दी वो बोल के रखवाई है, कितनी सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है, तो सोचा खाली पेट जाऊँ। पर मुझे भूख लग रही है, वैसी भंडारा मेरा फेवरेट है। और आज साई संध्या थी, मैंने आपको बताया क्यों है, क्योंकि आपको पता है दीने घर लिया था, नवंबर दिसंबर में घर लिया था, ठीक है। तो सिर्फ घर पे ही उन्होंने छोटी मोटी पूजा कर दी, तो वो बड़े लेवल पे नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उन्होंने आज एक बहुत बड़े लेवल पे फंक्शन करा है। सबको बुलाया, हमारे पूरी फैमिली को 100-200 लोगों की गैदरिंग है, मोर देन 100 लोगों की गैदरिंग है। उनके इन-लॉज भी आए हैं, हमारी फैमिली के यहाँ के लोग भी हैं, तो बस आज वही है। और मोगू मोगू भी आएगा और मिलन सर भी आएंगे, तो आपको मिलवाएंगे उनसे, मोगू मोगू से नहीं, मिलन सर से, और बाकी आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस अभी मैं नहाया तो हूँ नहीं, बट मेरा मन कर रहा है भंडारा खाने का, देखो जाता हूँ कि नहीं। एंड जैसे ही आपको पता है कि साई संध्या, तो दीने सबके लिए येलो थीम रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या पहन रहा हूँ। यार वैसे तो सब लोग आज ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगे, बट जैसे कि आपको पता है कि मुझे ट्रेडिशनल कपड़ों से सख्त नफरत है, तो ये मेरी टी शर्ट है, ठीक है, कॉलर वाली है अपनी, वो भी बहुत कम पहनता हूँ। और ये न्यू जीन्स हैं, दोनों चीज़ें न्यू हैं, तो सब येलो पहनेंगे, तो मेरे को भी येलो लेना था, तो मैंने ये ले लिया और पहन के देखा था, मैंने ट्राई करा था, अच्छा लग रहा था। बाकी तो मैं आपको दिखाऊंगा ही शॉर्ट वर्ड जब मैं लूँगा, वीडियो बनाऊँगा। बाकी तो सब ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हैं, मम्मी भी येलो सूट पहन रही है, तो बस यही है। अभी थोड़ी देर में नहाने जाऊँगा, मैं अभी तो नहीं, आराम से जाऊँगा। मम्मी को पीनी थी लिमका, तो अब मैं मम्मी के लिए लिमका लेने जा रहा हूँ और अपने लिए कोक लेने जा रहा हूँ। मैं तो शाम को बहुत पीनी और मुझे भूख लग रही है, तो देखता हूँ भंडारा खाता हूँ कि नहीं, अगर मिलता है तो खाकर आ जाऊँगा, मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है भाई। शाम तो अभी थोड़ा शाम में टाइम है ना, तो सोचा भंडारा खा ही लेता हूँ, देखता हूँ बाकी जैसे भी होगा आपको मैं बताऊँगा। मम्मी के लिए लिमका ले आऊँ, कल से बोल रही है, वो डांट पड़ रही है। भंडारा तो मैंने खा लिया है, 3-4 पूड़ी खा ली है, अभी के लिए संतुष्टि होगी। खाने को और भी खा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, बट यार फिर शाम को पार्टी है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खाया। अब यहाँ की सारी शॉप्स बंद है, तो मैं नॉर्मल जो यहाँ पे शॉप है वहाँ जा रहा हूँ, मम्मी के लिए लिमका लेने और अपने लिए कुछ पीने के लिए लेने। उसके बाद घर जाके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे, रेस्ट से मतलब थोड़ा काम वाम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स तो आ चुकी हैं, ये रही मम्मी की नींबूज और ये कोक, सॉरी थम्स अप, दोनों वैसे सेम ही लगती है। चलो यार मैं चलता हूँ, लिफ्ट आ चुकी है, मिल जाओ आप थोड़ी देर में। दी भी आ गई है ऊपर, उनको यहाँ पे जहाँ से बाल कटवा दूँ ना, तो वहीं से उनको कुछ करवाना है आज, पार्लर जाना है, मेकअप वेकअप एंड ऑल, यू नो गर्ल्स थिंग्स, तो बस इसलिए तो आई है यहाँ पे। बाकी चीकू वीकू तो अपने घर पर ही होगा दादी वादी के साथ। आप भी कहोगे भाई क्या हो गया, कितनी बार लिफ्ट में आएगा, ऊपर नीचे कर जा रहा है। यार मम्मी ने मिठाई मंगवाई है तो बोलने जा रहा हूँ, और मम्मी ने भी कैश मंगवाया है तो लेने जा रहा हूँ। अभी तक नया जो मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था वो भी नहीं पी मैंने, दी आई हुई थी, ठीक है, पर दी भी पार्लर चली गई है। अब मैं जा रहा हूँ कैश निकालने और मिठाई लेने, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस रेडी मैं हो चुका हूँ, मेरे को बस एक चीज़ समझ आ रही कि मैं इसको कॉल ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। वैसे तो मुझे बैठाना ही पड़ेंगे, वरना लोग कहीं गुंडा वंडा है क्या तू? नहीं नहीं मैं गुंडा वंडा नहीं हूँ। तो बस अभी 5:30 हो गए हैं, मोगू मोगू और मिलन सर तो आएंगे, थोड़ा वो लेट ही आएंगे, इतना तो मुझे पता है, मिलन सर हमेशा लेट करते हैं। एंड अपने तो IPL चल रहा है, IPL भी देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, दिल्ली का मैच और कोलकाता का मैच देखने में, तो बस 5-10 मिनट में निकलेंगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दी के फंक्शन में, मासी दी, पूजा दीदी एंड मासी और मतलब मम्मी, ये चारों अलग आ रहे हैं, और मैं यहाँ से कैब करके जा रहा हूँ। और जीजू वहाँ पे पहुँच चुके हैं, चीकू भी वहाँ पे पहुँच चुका है, तो बस पहुँचते हैं एंड फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का जो भी है। और सर तो एज यूजुअल लेट ही आएंगे,
गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। मैंने कहा आवाज आती है ना पंखे की, तो मैंने पंखा बंद कर दिया कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं आपसे, मिलते रहेंगे। यार मेरे को ना बड़ी गंदी आदत लगती है उबर या ओला वालों की। मतलब पता क्या करते हैं, पूछेंगे कहाँ जाना है, फिर बताओ, फिर कैंसिल कर देंगे। मैं नीचे आया, आने वाला था 10 सेकंड में, कैंसिल कर दी। फिर लिफ्ट में ऑटोमेटिक एक और असाइन हुआ, अब वो आ रहा है 4-5 मिनट को। बड़ा बुरा लगता है यार ये सब चीज़ें सच में। मतलब तुम चला रहे हो तो भाई तुम्हें इतने ड्रामे क्यों हैं, समझ नहीं आया मेरे को आज तक। तो गाइस फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, डायमंड ग्राउंड। ये रहा देखो कुछ इस तरीके का है। अब एक बार मैं दी को कॉल करके पूछ लूँ कि एंट्री कहाँ से है, मुझे ज़रा एंट्री का पता नहीं है। ज़रा मैं एक बार देख लेता हूँ एंट्री कहाँ से है, फिर मैं उन लोगों को भी दिखाता हूँ व्लॉग में। शायद यहीं से होगी, पता नहीं कहाँ से। चलो मैं देखता हूँ। तो यार अब एंट्री कर रहा हूँ मैं। एंट्री कर रहा हूँ। ओ स्ट्रीट भाई देखो लिखा हुआ है दी का नाम क्रिस्टल हॉल। तो गाइस मिलन सर आ चुके हैं ये रे, और जो मोगू मोगू बैठी हैं यहाँ पे। मैं ऐसी घड़ी दिखा सकता हूँ आपको बस, और कुछ नहीं दिखा सकता। और सर आपको दिक्कत तो नहीं आने में? कुछ खाया पिया आपने? क्या खाया? कुछ भी नहीं खाया। शर्मा रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया इन्होंने। बाकी ये आप देख सकते हो मेरे फैमिली वाले बैठे हैं, दी तो आगे बैठे हैं उधर। ये सर ये मोगू मोगू को घर जाना है, टाइम हो रहा है 8, और सर को भी जाना पड़ेगा। Thank you.
तो गाइस हमारी सारी संध्या ख़त्म हो चुकी है और अभी हम सब डिनर के लिए बैठे हैं। देखो ये मम्मी बैठी है, येरी मासी, ये पूजा दीदी, ये रहा प्रिंस और ये सब जा रहे हैं अभी। तो गाइस टाइम हो रहा है 11 एंड अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं। ये कुछ बच गया था तो वो जा रहा है दी के घर, येरी दी की गाड़ी, ये दी के ससुराल वालों की गाड़ी है, वो देखो बोरी दी चीकू मेरे भैया। तो बस हम भी घर जा रहे हैं पूरी दीदी और मासी के साथ, तेरा प्रिंस। तो बस हम घर जा रहे हैं, मज़ा आ गया सारी संध्या में, बहुत ही मज़ा आया, मज़ेदार थी, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। तो फाइनली घर में आ चुका हूँ एंड सारी संध्या बहुत अमेजिंग थी, बहुत मज़ा आया। अब ब्लॉग में देखना, आपको भी मज़ा आएगा, इट वॉज सीरियसली अमेजिंग। तो इसी बात में आज की वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।